के पेट्रोल पंप के बगल में चोरी करने का प्रयास किया था, हालांकि ये लोग कामयाब नहीं हो पाए थे। इसी प्रकार माल सलामी थाना कांड का जो 17 लाख वाला है, उसमें बाकी अपराधी जितने भी इन्वॉल्व थे वो सब गिरफ्तार हो गए हैं। फतुहा में इन लोगों ने एक पल्सर बाइक को लूटा था 15 फरवरी 2022 को एनएच से, वो बाइक भी रिकवर हो गया है। कंकड़बाग में इन्होंने एक सीबीजेड बाइक को चोरी किया था, वो बाइक भी इनकी निशानदेही पर रिकवर हो गया है। और बिक्रम थाना में आप सभी अवगत होंगे, एक शिक्षक को गोली मारा गया था, वो रजिस्ट्री ऑफिस से बाहर आ रहा था, उसमें नेम्ड केस हुआ था एक अभय सिंह के ऊपर, तो उसमें भी उसका भी उद्भेदन इन लोगों ने करवाया, क्योंकि जब हम लोग इनके पूछताछ कर रहे थे तो उस कांड की न्यूज़ क्लिपिंग्स इनके पास थी, तो फिर ये लोग टूटे उसमें। जो अभय सिंह है उसने खाजे कलां का रहने वाला एक पुराना क्रिमिनल है, अभी हम उसका नाम नहीं खोलेंगे, उसको 2 लाख का सुपारी दिया था, उसमें ओरिजिनल सुपारी जो गया था राजीव माली को गया था। राजीव माली का कुख्यात अपराधी है जो कि बिद्दुपुर थाना हाजीपुर का रहने वाला है, जिसको अभी आलमगंज से गिरफ्तार करके भेजा गया है, क्योंकि इसमें राजीव माली की गिरफ्तारी हो गई थी तो पुनः उसने जो पीयूष है वही काम पीयूष को दिया। तो पीयूष और भूमा अपने 2 अन्य सहयोगियों के साथ उन्होंने सुपारी ली और उस शिक्षक को गोली मारी जब वो रजिस्ट्री ऑफिस से बाहर आ रहा था। तो विक्रम थाना कांड संख्या 120/22 इसमें उद्भेदित हुआ है, और इसमें जो भूमि विवाद के साथ संबंधित ये केस था, भूमि विवाद में इसकी सुपारी हत्या की जानी थी, और जो इसका मेन सुपारी देने वाला है वो भी हमारी गिरफ्त से बाहर, उसकी गिरफ्तारी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इन सभी जो ये जो ग्रुप है इनके बहुत ही विस्तृत आपराधिक इतिहास है। जो पीयूष गुप्ता है उर्फ चंदन साव है, उसके ऊपर पटना में तकरीबन 16 केस और बेगूसराय में इससे सोना लूटा था लॉकडाउन के क्रम में, टोटल 17 केसेस इसके ऊपर वर्तमान में है। जो सोनू जमुई है जो कि गर्दनी बाग में घुसा था वाइबो दुकान में, उसके ऊपर टोटल 15 केसेस हैं पटना के विभिन्न थाना क्षेत्रों में। जो अंकित पटेल उर्फ भूमा है इसके ऊपर टोटल 4 केसेस हैं, इन केसेस को छोड़ के 4 केसेस पहले से हैं। नीरज कुमार जो कि नदी थाना का रहने वाला है, इसके ऊपर 3 केसेस हैं, 2 माल सलामी में और चौंक में, और एक रोहित नाम का अपराधी है उसके ऊपर फतुहा में पहले भी केस हुआ है 2017 में डकैती का। तो इनमें से अधिकांश लोगों की पहले से ही ये आपराधिक इतिहास है। इसके अलावा इन लोगों ने और भी कई खुलासे किए हैं, इन्होंने माल सलामी थाना क्षेत्र के कुछ और व्यवसायी को भी टारगेट किया हुआ था लूट के प्रयोजन से, और खास करके अब ये क्योंकि इनके पास हथियार आ गया था, जो उन्होंने 17 लाख रुपया लूटा था उसमें ये टोटल 9 लोग शामिल 8 लोग शामिल थे, सभी को 3-3 और 2.5-2.5 और 1.25 लाख के हिसाब से लोगों ने आपस में डिस्ट्रीब्यूशन किया था। 1 लाख रुपया उसमें रिकवर हुआ है, और इन्होंने ज्वेलरी बनाया था उसमें से 2 सोने का चेन भी हम लोगों को बरामद हुआ है, और उसी के पैसे से इन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी भी खरीदा था, वो भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। बाकी पैसा ये कलकत्ता गए थे और वहाँ पे इन लोगों ने होटल्स में रह के होंगे बाकी पैसा को उड़ाया है, कुछ पैसा का उन्होंने और हिंट दिया, जो जो भी खरीदा उसको हम लोग रिकवरी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार इनके इस वाले ग्रुप के उद्भेदन से पटना ज़िला के जो वर्तमान में जनवरी फरवरी और मार्च में कुल 7 केसेस जो हुए हैं, गर्दनीबाग में 1, चौंक थाना में 2, माल सलामी में 1, फतुहा में 1, कंकड़बाग में और विक्रम थाना में, कुल 7 केसेस का उद्भेदन हुआ है रिकवरीज के साथ और हथियारों की बरामदगी के साथ। इसमें टीम ने बहुत अच्छा काम किया और हम सभी को रिवॉर्ड भी कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, हर रोज़ एनएच पे निकलते थे, गांजा पीते थे, नशा करते थे और इसी प्रकार से लूट। आप सभी जानते हैं कि जो पत्रकार नगर और गौरीचक पे हम लोगों को सफलता मिली थी उस पर हम लोगों को काफ़ी मोबाइल मिले थे, और हम लोग जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तब का बना हुआ है नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के नेतृत्व में, जिसमें एसटीपीओ सदर भी हैं, तो उस पर जितने भी मोबाइल्स का हम लोगों ने एनालिसिस किया था और बहुत से नंबर थे जिनको ये लोग डिलीवरी करते थे। जो लड़का पकड़ा गया था बबलू उसका मोबाइल मिला था हम लोगों को, उसका जो मालिक है राजीव उसका मोबाइल मिला था, राजीव झा का मोबाइल मिला था, जो गोदाम मालिक है अरविंद झा का मोबाइल मिला था। तो अब हम लगातार क्योंकि केस का फॉलोअप कर रहे हैं, तो जो जो लोगों का उसमें नाम था और जिसमें पैसे के लेन देन की बात थी, पेटीएम के माध्यम से लेन देन था, यूपीआई के माध्यम से लेन देन था, और जो ये लोग चिट पुर्जा लिखते हैं कि इतना रॉयल्स टैग, इतना पीस, तो उन सभी नंबर्स को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। उसी में ही एक नंबर को फॉलो करते हुए काफ़ी भारी मात्रा में लोगों के साथ ट्रांजेक्शन हो रहा था। ये लड़का पकड़ा गया, इसका नाम है सबलू कुमार, असली नाम इसका संजीत कुमार है, जो कि बाबा चौक का रहने वाला है, पाटलिपुत्र थाना का। तो इसका वहीं से हम लोगों ने नंबर डेवलप किया था, इसका डायरेक्ट संपर्क जो था उसी वाले गिरोह के साथ था, वहीं से वो लोग प्रोक्योर करके आगे दारू बेचता था। ये केटरिंग का काम करता है, शादियों में केटरिंग का काम करता है, और वहीं पे ही ये दारू भी सप्लाई करता था।
तो जब इसका फॉलोअप किया गया तो इसके घर पे छापामारी किया गया, इसको गिरफ्तार किया गया। तो इसके यहाँ से ये दो हथियार हम लोगों को मिले हैं और दो जिंदा कारतूस मिले हैं, एक कट्टा है और एक पिस्टल है। तो इस अपना स्वीकार किया है कि लगभग 1.5 साल से ये दारू का काम कर रहा था, और जिससे इसने पिस्टल ख़रीदा है उसका भी इसने नाम बताया है हम लोगों को। इसकी गिरफ्तारी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ये होम डिलीवरी नेटवर्क जो कि पाटलिपुत्रा की तरफ चल रहा था और जो कि इसी ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ था, उसमें इसकी गिरफ्तारी की गई है। और आगे भी बहुत से उसमें व्यक्तियों का नाम खुला है और हम लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही एविडेंस आएगी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी, क्योंकि इस पूरे जो होम डिलीवरी के नेटवर्क को ध्वस्त करना है और इसमें ये एक कड़ी है, और क्योंकि हथियार भी साथ में रखा हुआ था। इसका कोई आपराधिक इतिहास पहले से शराब बरामद नहीं हुआ है, है कैसे? अच्छा, नहीं शराब बरामद नहीं है होम डिलीवरी, क्योंकि वो फैक्ट्री बस्ट हो गई थी, उसके बाद इसने अपना सारा स्टॉक डिस्पोज ऑफ कर दिया। और शराब के धंधे में हथियार का क्या उपयोग या फिर क्या किस तरह से? ये देखें, जो अभी तक हम लोगों ने विभिन्न ग्रुप्स की पूछताछ की है, ये मामला बेसिकली वर्चस्व का हो गया है, जैसे क्योंकि अब मल्टीपल गिरोह हो गए हैं तो एक दूसरे को शो ऑफ स्ट्रेंथ के लिए कि ये मेरा एरिया है, ये मेरा एरिया है, आपस में आप जानते भी हैं, इन लोगों की लड़ाइयाँ भी होती हैं। जो भी अब जक्करपुर का केस, इसमें भी सिर्फ शराब के धंधे को लेकर जो आपस में इनका विवाद हुआ है उसी में ही लड़ाई हुई है, इसलिए हथियार हमेशा रखते हैं। जो ये मृतक है प्रकाश पांडे, इसका खुद का हथियार, ये जो हथियार रिकवर उसका अपना हथियार था, तो वही वर्चस्व के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, जब ये लोग खेप पहुँचाता है और एक दूसरे के साथ, क्योंकि बहुत वैमनस्यता भी हो गई है सिर्फ पैसे के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसी में लोग हथियार जरूर रखता है, हथियारों की सफाई को वो रखता जहाँ साइड में जेल भी गया है शायद प्रकाश पांडे, उसको प्रशांत वो पहले जा चुका है, वो जेल जा पांडे चुका है और उसको दो गोली भी लगा हुआ है 2019 में, उसको वो भी हमला वहीं हुआ से लगा था, पत्रकार ने ना जो उसको गोली लगा था आलमगंज आलम में। आलम